आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रथम अवकल को हटाना, प्रथम चर को हटाना, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। फ्रेंड्स, अब पहले हम जो देख चुके थे वो है अपने पास जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सेकंड ऑर्डर की, वो होती है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। फ्रेंड्स, हम इसको देख पढ़ चुके थे। हम इसमें जो पढ़ा था हमने पहले वो पढ़ा था, अगर इसमें कोई कोई भी हमारे पास पूरक फलन का एक हल विद्यमान हो तो हम इसका पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारे पास पूरक फलन विद्यमान नहीं है, पूरक फलन का हल विद्यमान नहीं है, तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो पढ़ते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले माना वाई बराबर यू वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने फ्रेंड्स यहाँ मान लिया है कि वाई बराबर यू वी जो है वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हमें यू वी जो कंप्लीट सॉल्यूशन यू वी है, तो यू ये वाई वाई की जगह अगर हम इसमें पुट करें तो ये इसको क्वेश्चन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। पहले हम वाई बराबर यू वी हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, तो यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, तो वो आ गया अपने पास फ्रेंड्स वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी वी एंड डी वी सॉरी डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास आ जाता है वी डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डॉट डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फ्रेंड्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हम इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ गया पी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, ये आ गया है। अब हमें प्लस क्यू यू वी वाई इक्वल टू आर, ये हमें वैल्यू पुट कर दी फ्रेंड्स हमने। अब हम जो आगे करते हैं वो करते हैं, इसमें हम इस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कि कहीं भी इस इक्वेशन को हम रीचेंज करते हैं, तो रीचेंज करते हैं तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं यू डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस यू एंड डी वी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यह आ जाता है डी वी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से पी प्लस और यहाँ से जो कॉमन लिया हमने तो वो आ गया टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी एंड डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी यहाँ से कॉमन ले लिया, अब यहाँ से आ गया फिर पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ से आ गया यू वाई सॉरी यू और हमें वाई की वैल्यू फ्रेंड्स पुट कर दिया, यहाँ पे वाई नहीं है तो ये आ गया इक्वल टू आर, ये आ चुका है फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये आ चुका है वी बराबर डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू, ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास जीरो के इक्वल होगा क्योंकि वाई बराबर यू डॉट वी इसका सॉल्यूशन है, तो यू भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, वी भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, तो हमारे पास हम इसको हम जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास सॉरी फ्रेंड्स वाई बराबर यू डॉट वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो हम इसको जीरो पुट नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें डी बी अपॉन डी एक्स इसको विलोपित करना है, इसको हमें रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें सिंपली ये तो जीरो नहीं होगा, हमें इसको जीरो कर देना है, ये जीरो कर देंगे तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई पी प्लस टू अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है फ्रेंड्स। अब
अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है पी बराबर 2 अपॉन u du अपॉन dx। इसको लिख सकते हैं पी अपॉन टू इक्वल टू, सॉरी माइनस का साइन आएगा, -1 अपॉन u du अपॉन dx। अब फ्रेंड्स इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यह आ जाता है पी बाई टू ऑफ डी एक्स इक्वल टू -log u। ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं u बराबर लिख सकते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 पी ऑफ डी एक्स। ये फ्रेंड्स हमारे पास u बराबर वैल्यू आ चुकी है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में फिर से जाते हैं, क्वेश्चन नंबर टू इसको दे दिया हुआ है हमने, तो इस क्वेश्चन में जाते हैं तो ये हमारे पास जीरो हो चुका है। तो हमारे पास ये जीरो होने के पास जो बचा है वो है अपने पास ये बचा है फ्रेंड्स u d²v/dx², ये हमारे पास जीरो हो गया, प्लस v d²u/dx² प्लस p du/dx प्लस u=r। अब हमारे पास फ्रेंड्स ये बचा हुआ है, अब हम इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो सिंपली d²v/dx² प्लस v d²u/dx² प्लस p du/dx प्लस v=r/u लिख सकते हैं इसको। अब फ्रेंड्स हमारे पास u की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास है वैल्यू u बराबर एक्सपोनेंशियल ऑफ -1/2 pdx। तो u बराबर अपने पास है एक्सपोनेंशियल -1/2 p ऑफ dx, ये अपने पास u की वैल्यू है अपने पास। अब u से हम इससे du/dx निकालते हैं, तो फ्रेंड्स du/dx या फिर हम यहाँ से भी बोल सकते हैं du/dx बराबर क्या है, यहाँ से इस इक्वेशन से सिंपली इस इक्वेशन से बोल सकते हैं du/dx = -pu/2। फ्रेंड्स ये बोल सकते हैं हम, यहाँ से ये वैल्यू आ गई, यहाँ से इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। और फ्रेंड्स हम इससे d²u/dx² की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हो जाता है d²u/dx² इक्वल टू -1/2 को बाहरी छोड़ना है हमें, p.du/dx प्लस u dp/dx। अब फ्रेंड्स du/dx की वैल्यू हम फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो -1/2 p -1/2 pu प्लस pu dp/dx। तो ये आ गया अपने पास फ्रेंड्स p²/4 u - u/2 dp/dx। फ्रेंड्स ये हमारे पास d²u/dx² की वैल्यू आ चुकी है। अब फ्रेंड्स हम ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो इस इक्वेशन में रखने पर हमारे पास क्या रहता है d²v/dx² प्लस v.u p²/4 u - u/2 dp/dx -p²/2 u प्लस qu = r/u। फ्रेंड्स हमने जो पहले इसमें मिस्टेक की थी वो q.u भी लिखा हुआ था, तो q यहाँ से चलता हुआ आएगा अपने पास, इसीलिए q यहाँ पे भी आया है अपने पास q, और q यहाँ पे भी आया है qu, ये आ गया अपने पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है d²v/dx² प्लस v p²/4 -p²/2 प्लस q -1/2 dp/dx। यू का हमने इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली,
इक्वल टू आर अपॉन यू। बट हम यहाँ यू की वैल्यू लिख सकते हैं, यू की वैल्यू क्या है अपने पास, यू की वैल्यू फ्रेंड्स आई थी हमारे पास एक्स पॉन सेवर माइनस वन बाई टू पी डी एक्स, ये वैल्यू आई थी। तो हमने आर अपॉन यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा आर एक्स पॉन सेवर, ये माइनस है लेकिन यू नीचे है तो ऊपर से चला जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू पी डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा अपने पास। और इसको हम सब लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, इसको हम रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं क्यू यहाँ से पी माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू में से प्लस पी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस के, ये माइनस क्या है तो हमने हमारे पास आ गया माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर एक्सपोनेंशियल ऑफ वन बाय टू पी डी एक्स, ये आ चुका है फ्रेंड्स अपने पास। अब जब ये आ चुका है तो हम इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई इक्वल टू एस, जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास आई बराबर है क्यू माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर माइनस वन अपॉन टू डी पी अपॉन डी एक्स एंड एस बराबर अपने पास आर एक्सपोनेंशियल ऑफ वन बाय टू पी डी एक्स, या इसको लिख सकते हैं आर अपॉन यू, ये अपने पास फ्रेंड्स। अब हम इनकी हेल्प से हम सिंपली हम डी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी उनमें इस तरह से इक्वेशन में क्यू की पी की वैल्यू पुट करके हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस तरह आई एस की वैल्यू निकाल देते हैं और इस इक्वेशन में रखने के बाद सिंपली सॉल्व कर देते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। फिर से हम सॉल्यूशन का एक मॉडल समझ लेते हैं, सॉल्यूशन का मॉडल निकालने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं यू बराबर निकालते हैं, वो होता है अपने पास यू बराबर जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू पी ऑफ डी एक्स। हम इक्वेशन में यू बराबर इस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से हम यू की वैल्यू पुट निकाल देते हैं इस फॉर्मूले से। तो फिर वाई हम वाई बराबर यू डॉट वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेते हैं, तो वाई बराबर यू डॉट वी कंप्लीट सॉल्यूशन लेने के बाद इसको हम चेंज करते हैं, वो है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल टू एस, जहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास आई बराबर होता है वो होता है क्यू माइनस वन बाई फोर पी स्क्वायर माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स एंड जो एस बराबर होता है वो होता है आर अपॉन यू। ये हमारे पास फ्रेंड्स इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसका आराम से सिंपली सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ये आई की वैल्यू निकालते हैं एस की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं और सिंपली सॉल्व कर दें इसको, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, हमने एग्जांपल ले लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ये हमने एग्जांपल लिया है। जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2002, 2009, 2014 में आया है, राजस्थान अजमेर में आया है 2005 में, बीकानेर में आया 2004 में, जोधपुर में आया है 2003 में, 2004 में, उदयपुर में आया है 2003, 2005, 2009। फ्रेंड्स इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे पास कई बार रिपीट किया जाता है तो हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है अपने पास वो होती है डी स्क्वायर यू सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। हम उससे हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन की कंपेयर करते हैं तो ये अपने पास पी बराबर आ जाता है, वो आता है माइनस फोर एक्स, क्यू बराबर आता है वो आता है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड आर बराबर आता है फ्रेंड्स उस पर माइनस थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब फ्रेंड्स ये वैल्यू आ चुके हैं तो हम सिंपली यू बराबर निकालते हैं, यू बराबर क्या होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई टू पी ऑफ डी एक्स, तो ये आ जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू बारह जाएगा, पी क्या अपने पास माइनस फोर एक्स तो माइनस फोर एक्स ऑफ डी एक्स, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ टू इंटीग्रेशन एक्स एक्स ऑफ डी एक्स।
तो यह आ गया अपने पास एक्सपोनसेबल ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि ई एक्स स्क्वायर, यह आ चुका है फ्रेंड्स हमारे पास यू की वैल्यू। अब हमारे पास यू की वैल्यू आ चुकी है तो हमारे पास अगली टर्म आती है वो आती है डी स्क्वायर यू अपॉन डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेट वाई बराबर यू वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन। देन अपने पास जो आता है वो आता है डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई डॉट वी इक्वल टू आर अपॉन यू, ये आता है फ्रेंड्स हमारे पास। तो हमारे पास ये आई जो होता है वो होता है अपने पास 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 सॉरी क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स, ये होता है। अब फ्रेंड्स हमारे आई की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्यू क्यू पी की वैल्यू पुट करते हैं। पी की वैल्यू क्या अपने पास 4x, तो डी पी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 4। फ्रेंड्स ये वैल्यू हम पुट कर देते तो आई बराबर आ रहा है अपने पास क्यू की वैल्यू क्या होती है 4x² - 1, यहाँ से 4x² - 1 4x² - 1 माइनस 1/4 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है 4x - 4x, तो ये 16x² हो गया माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स क्या है 4, तो ये 4 ये रख दिया हमने, तो आई बराबर आ गए फ्रेंड्स अपने पास 4x² - 1, इससे आ गए 4x² और ये आ गया अपने पास प्लस 2 इक्वल टू 1 आ गया फ्रेंड्स अपने पास। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इक्वल टू आर अपॉन यू, आर क्या है फ्रेंड्स अपने पास -3e^x² sin 2x, ये है हमारे पास आर, यहाँ से भी देख सकते हैं फ्रेंड्स आर ये है अपने पास। तो अभी ये आर की आर अपॉन यू करते हैं तो यू क्या है e^x² तो e^x² से e^x² चले जाएगा और -3 sin 2x बच जाएगा, तो ये आ गया -3 sin 2x -3 sin 2x। अब फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसका सी एफ निकालना पड़ेगा। सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसको डी स्क्वायर प्लस 1 v इक्वल टू -3 sin 2x लिख लेते हैं और जो भी राइट हैंड साइड में उसको जीरो लिख दो, डी स्क्वायर की जगह हम m पुट कर दें तो ये हो जाता है m² + 1 = 0, तो m बराबर आ जाता है अपने पास प्लस माइनस आयोटा, m बराबर ये आ गया। तो m बराबर की वैल्यू जैसे सी एफ क्या होगा, जैसे अतः सी एफ हो गया अपने पास c1 sin x + c2 cos x, ये हो गया सी एफ। अब फिर से हम पी आई निकालते हैं, तो पी आई क्या होता है, पी आई जो होता है वो होता है ये सी एफ लिखते हैं, ये पी आई होता है 1/FD(Q(x), ये होता है 1/FD क्या, ये एफ डी जो फंक्शन है ये होता है 1/D²+1 -3 sin 2x। अब फिर से हम देख सकते हैं ये यहाँ पे अगर माइनस ये इसको हमें 1/F-A² सॉरी FD²sin AX बराबर फॉर्मूला लगाते हैं 1/F-A² sin AX इफ F-A² ≠ 0 हो, तो हम ये फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम sin AX² मतलब कि -4 लिखते हैं, -4 से तो ये जीरो नहीं हो रहा तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे -4 + 1 तो -3 हो जाएगा, -3 से -3 चला जाएगा तो ये आ जाएगा ओनली sin 2x, ये sin 2x आ जाएगा इस तरह से। तो प्लस अपने पास v बराबर जो आ गया वो आ गया c1 sin x + c2 cos x + sin 2x। पर हमारे पास फ्रेंड जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन जो माना था हमारा वाई बराबर u.v माना था, तो वाई बराबर u.v क्या हो गया, वाई बराबर अपने पास u क्या आया था, वो आया था वाई बराबर u निकाला था तो वो आया था ex² यहाँ से u बराबर आया था अपने पास ex², तो ये आ गया ex² c1 sin x + c2 cos x + sin 2x, ये फ्रेंड्स इसका हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है।